हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का फिर से मेरे एक नए वीडियो में। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा गाइस कि सैमसंग गैलेक्सी M35 5G फ़ोन में आप लोग कॉल फॉरवर्डिंग कैसे कर सकते हो। अगर आपके पास एक सैमसंग गैलेक्सी M35 5G फ़ोन है और इस फ़ोन में जो आपको कॉल फॉरवर्डिंग करना है, अगर आप लोग चाहते हो कि गाइस जब भी आपके फ़ोन में किसी का कॉल आए गाइस, वो जो कॉल है गाइस आप लोग अपने दूसरे नंबर पर फॉरवर्ड करना चाहते हो। आपके पास अगर दो फ़ोन है, दो सिम है, तो आप लोग जो है किसी भी नंबर से जो कॉल आता है जिस नंबर पे, आप लोग जो है दूसरे नंबर पे उस कॉल को फॉरवर्ड कर सकेंगे। तो कैसे आप लोग अपने इस फ़ोन में कॉल फॉरवर्डिंग कर सकते हो गाइस, तो आज के वीडियो में मैं ही बताऊंगा आप लोगों को। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए और अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कॉल फॉरवर्डिंग करने के लिए आपको सबसे पहले जो है अपने इस फ़ोन के एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है जिससे आप लोग कॉल करते हो। ओपन करने के बाद ऊपर आपको एक 3 डॉट का ऑप्शन मिलेगा, तो इस 3 डॉट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद सेटिंग्स का ऑप्शन आएगा, सेटिंग्स पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा सप्लीमेंटरी सर्विसेज का, तो इस सप्लीमेंटरी सर्विसेज पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर कॉल फॉरवर्डिंग का ऑप्शन आ जाएगा, तो इस कॉल फॉरवर्डिंग पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करते ही वॉइस कॉल्स का ऑप्शन आएगा, वॉइस कॉल्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कॉल फॉरवर्ड करने के लिए आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। ऑलवेज फॉरवर्ड, मतलब अगर हमेशा फॉरवर्ड करना है, या फॉरवर्ड वेन बिजी, जब बिजी है तब फॉरवर्ड करना है, या फॉरवर्ड वेन अनएंसर्ड, जब आप लोग रिसीव नहीं करोगे तब फॉरवर्ड करना है, या फॉरवर्ड वेन अनरीचेबल, मतलब जब आपके फ़ोन में नेटवर्क नहीं होगा तब फॉरवर्ड करना है। जब भी आपको फॉरवर्ड करना है उस पर क्लिक करना है और यहाँ पर जिस नंबर पे फॉरवर्ड करना है उस नंबर को यहाँ पर डाल दीजिए। डालने के बाद इनेबल का ऑप्शन आएगा, इनेबल पे क्लिक कर देंगे तो जो आपका कॉल है गाइस उस नंबर पे फॉरवर्ड होने लग जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आप लोग अपने सैमसंग गैलेक्सी M35 5G फ़ोन में आप लोग कॉल फॉरवर्डिंग कर सकते हो। तो कैसा लगा गाइस आप लोगों को ये वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।